Good morning, class 4. Your chapter 1, number and numeration, your topic is comparison of number. Three symbols are used. These three symbols. Firstly, this symbol, this side, ye jahan se aapka mouth closed hai, this side show smallest number. And mouth open side show largest number. Jahan se ye mouth aapka open hai, wo side aapki show karegi largest number ko. जहां से माउथ क्लोज्ड है वो साइड शो करेगी स्मॉलेस्ट नंबर को. फॉर एग्जाम्पल कंपेयर टू एंड सेवन. टू एंड सेवन में आपको कंपेयर करना है. आपको पता है दिस नंबर इज लार्जेस्ट, ये नंबर आपका बड़ा है एज कंपेयर टू टू. तो आप सिंबल शो करेंगे ऐसे. माउथ ओपन साइड किस साइड है जहां पे आपका लार्जेस्ट डिजिट है और स्मॉलेस्ट साइड आपका क्लोज्ड है. क्लियर. नेक्स्ट एग्जांपल इज कंपेयर 25 एंड 37. 25 और 37 में आपको डायरेक्टली पता है 37 इज लार्जेस्ट और 25 इज स्मॉलेस्ट. तो आप डायरेक्ट सिंबल शो कर सकते हैं. लेकिन आपको नहीं पता है, कंपेयर नहीं किया जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे. दिस प्लेस इज वंस, दिस प्लेस इज टेंस, दिस प्लेस इज वंस, दिस प्लेस इज टेंस. आप पहले टेंस प्लेस को देखेंगे. इस प्लेस पे यहां पे डिजिट प्रेजेंट है आपकी टू और इसमें आपकी प्रेजेंट है थ्री. टू और थ्री में तो आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं कि थ्री डिजिट आपकी लार्ज है एज कंपेयर टू टू. इट मीन्स दिस नंबर इज लार्ज. तो आप ये सिंबल शो कर देंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंपेयर 235 एंड 238. आप इसमें कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं. वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड. फर्स्टली आप हंड्रेड पोजिशन को देखेंगे. बोथ आर टू डिजिट, दोनों में आपके टू डिजिट है. आप नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे. नेक्स्ट डिजिट इज थ्री. इट इज ऑल्सो सेम, ये भी सेम है आपके. आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं. आप नेक्स्ट डिजिट पे जाएंगे. This is 5 and this is 8. You know that this digit is largest as compared to 5. It means this number is largest. आप सिंबल शो कर देंगे ऐसे. For example, 2137, 3250. कंपेयर करना है आपको. आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे. दिस इज टू, दिस इज थ्री. थ्री इज लार्जेस्ट, इट मीन्स दिस नंबर इज लार्जेस्ट. डायरेक्ट सिंबल शो कर देंगे आप. आप इस डिजिट को ऐसे भी लिख सकते हैं. ये डिजिट आप पहले भी लिख सकते हैं ऐसे और बॉक्स. इसको आप बाद में भी लिख सकते हैं. अब डिजिट आपकी, आपको पता है ये डिजिट आपकी लार्ज है तो सिंबल इस साइड शो होगा. दोनों सेम ही है, बस आपको डिजिट का ध्यान रखना है, डिजिट कौन सी लार्ज है और सिंबल करेक्ट शो करना है. नेक्स्ट एग्जांपल इज कंपेयर 23504. बोथ नंबर्स आर सेम, तो आप सिंबल शो करेंगे इक्वल का. दिस इज इक्वल साइन. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कंपेयर 35,104 एंड 35,206. थ्री डिजिट इज सेम, फाइव डिजिट इज सेम. वन डिजिट प्रेजेंट है दिस प्लेस पे एंड इसमें प्रेजेंट है आपकी टू डिजिट. इट मीन्स दिस नंबर इज लार्ज. Your next topic is estimation. It means rounding of number. For example, rounding of number nearest 10. आपको ये given मिलेगा कि आपको किस number को किसके nearest करना है. 10 के according करना है, 100 के या 1000 के according करना है. तो number है आपका 25. Number is 25. आपको nearest करना है 10 के. This place is ones, this place is tens. आपका answer में
10 जब आप nearest 10 करेंगे तो ones place पे 0 present है, तो answer में भी आपका ones place पे 0 ही रहेगा. जो change होगा वो tens place पे होगा. It means this place is ones, this place is tens. Ones place पे आपका answer में 0, tens place पे change जो होगा वो किसके according होगा? आगे वाले place के according. It means 5 digit के according. इसमें two important point है आपके. First point है आपका 0, 1, 2, 3, 4. It means no change. अगर आपके ये digit आते हैं तो it means no change. आप कोई change नहीं करेंगे. Digit आता है आपका 5, 6, 7, 8, 9. It means add 1. आपका digit क्या है? 5. और ये lie कर रहा है आपका second point में. It means आपको add करना है 1. आप 10 position पे जो digit presented 2, उसमें 1 add कर देंगे. 2 plus 1, it means 3. तो 30 आपका rounding off है इस number का. Next example is, number है आपका 126. This place is ones, this place is tens, this place is 100. Answer में आप ones place पे तो 0 ही रखेंगे. जो change होगा आपका tens place पे होगा. किसके according होगा? आगे वाले place के according. It means 6 digit के according. आपकी 6 digit point second में present है. एड करना है आपको 1, 2 plus 1, 3, 100 position पे जो digit present है आपको as it is लिखनी है. This is the answer. Next example is 221, ones place, tens place, 100 place. Ones place में आपका answer में 0 ही आएगा, change होगा आपका tens place पे according to this place. It means 1 digit के according. 1 आपका कौन से पॉइंट में लाइक कर रहा है? फर्स्ट पॉइंट में. इट मींस नो चेंज. आप कोई चेंज नहीं करेंगे इस डिजिट में. एज इट इज 2 लिखेंगे और 100 पोजीशन पे जो डिजिट प्रेजेंट है उसे भी एज इट इज लिखेंगे. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन 2, राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट 100. 100 के अकॉर्डिंग नियरेस्ट आपको 100 के राउंडिंग ऑफ करना है. एग्जांपल है आपका 2580. दिस प्लेस इज वंस, दिस प्लेस इज टेंस, दिस प्लेस इज 100. आंसर में वंस और टेंस पोजीशन पे आपका 0 ही आएगा. जो चेंज होगा वो 100 पोजीशन पे होगा. इट मींस वंस टेंस, ये वंस पोजीशन है, दिस इज टेंस पोजीशन, दिस इज 100 एंड दिस इज 1000 पोजीशन. चेंज होगा आपका 100 पोजीशन पे. किसके अकॉर्डिंग होगा? जो इससे पहले आपकी डिजिट है. डिजिट क्या है आपकी? 8. 8 डिजिट लाई कर रही है आपकी सेकंड पॉइंट में. इट मींस ऐड करना है आपको 1. तो आप 5 में 1 ऐड कर देंगे. 5 plus 1, 6. 1000 में कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज डिजिट लिखी जाएगी. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल इज 638. वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस. वंस और टेंस में कोई चेंज नहीं, 0 आ जाएगा. 100 में चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दिस 3 डिजिट के अकॉर्डिंग. 3 आपका लाइक करता है 0.1 में. इट मींस नो चेंज. आप कोई चेंज नहीं करेंगे, डिजिट एज इट इज 6 लिखी जाएगी. दिस इज द आंसर. क्वेश्चन 3, राउंडिंग ऑफ नंबर नियरेस्ट 1000. अब आपको nearest 1000 के according change करना है number को. This is the number, this place is ones, this place is tens, this place is 100 and this place is 1000. 1000 में ones place, tens, 100, 1000. Ones, tens, 100 position पे आपका answer में 0 ही आएगा. 0, 0, 0. Change होगा आपका 1000 place पे. It means 7 place पे आपका change होगा. किसके according? जिससे पहले वाली value है 8. 8 आपका कौन से पॉइंट में लाई करता है? सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट क्या था आपका? 5, 6, 7, 8, 9. इट मींस ऐड 1. तो आप ऐड कर देंगे 7 में 1. 7 plus 1, 8. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल इज 26580. 26580. वंस, टेंस, 100, 1000, 10000. वंस, टेंस, 100 में कोई चेंज नहीं होगा, आपको 0 लिखना है. आपका चेंज होगा 1000 प्लेस पे
according to this digit. It means 5. 5 आपकी second point में lie कर रही थी. आपको add करना है 1. 6 में आप 1 add करेंगे. It means 7. 6 plus 1 equal to 7. 10,000 पे digit आपकी 2 present है. As it is आपको 2 लिखनी है. This is the answer. Next example is 13,340. Ones place, tens place, hundred place, thousand, 10,000. Ones, tens, hundred पे तो zero. ये thousand वाली change होगा आपका according to three. Three point था आपका first में कि zero, one, two, three, four like कर रहा है. It means no change. तो आप three में कोई change नहीं करेंगे as it is three और 10,000 भी आपका one. This is the answer. Thank you.